केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनाव नतीजे सामने आए हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समावेशी सोच की सरकार में विश्वास जता रहे हैं। मोदी सरकार समग्र विकास की सरकार है और अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सरकार इस समावेशी विचारधारा को आगे बढ़कर आगे चल रही है। इसी के चलते चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। जनता निरंतर भाजपा में अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करती जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने जो बजट पेश किया है वह 4,000 लोगों से राय लेकर बनाया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सबका साथ सबका विकास करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने अपना रोजगारोन्मुखी बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना को पूरे देश में सराहा गया, अब मुख्यमंत्री ने लाडली बहना जैसी क्रांतिकारी योजना लाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम शुरू किया है। हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। इसी तरह किसानों के खाते में भी पैसे भेजने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, उसी तरह मध्य प्रदेश ही $550 बिलियन की इकोनॉमी बनेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार एक समावेशी सरकार, समग्र विकास की सरकार और अंत्योदय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, यही भाव, यही संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी इन त्रिमूर्ति के साथ है, विश्वास इन त्रिमूर्ति के साथ है और यही स्पष्ट रूप से जो चुनाव के नतीजे भी हैं उनमें दिख रहे हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मुख्यमंत्री जी ने एक लोखनमुखी बजट कल मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष पेश किया है। ये बजट की प्रक्रिया भी जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, मध्य प्रदेश का ये बजट भी बना है 4,000 लोगों से चर्चा, विचार विमर्श करके उस मंथन से ये अमृत निकला है। तो ये बजट केवल भारतीय जनता पार्टी की बजट नहीं है, ये बजट मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की बजट है। लोखनमुखी बजट है, महिलाओं के लिए नई क्रांतिकारी योजना, लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। मैं उनको हृदय के गहराइयों से, तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। हमारी गृहिणी, हमारी मातृशक्ति, घर की शक्ति होती है, गांव की शक्ति होती है, शहर की शक्ति होती है, प्रदेश की शक्ति होती है और देश की शक्ति होती है। और जो एक तरीके से सशक्तिकरण इस लाडली बहनी योजना के साथ होगा, 1,000 रुपये प्रति बहन के खाते में वर्ष में 12,000 करोड़, जिसके लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो अधोसंरचना और बाकी क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण महत्व दिया है, हमारा मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहां प्रधानमंत्री जी का संकल्प है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनेगी, वहीं मध्य प्रदेश $550 बिलियन इकोनॉमी बनेगी और हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर एक का प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और बधाई अर्पित करना चाहता हूँ प्रदेश के एक एक जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।